बढ़ते आगे और बात बिहार की। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह आज पटना के बेउर जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर आते ही वो अपने क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। विरोधियों से सियासी और कानूनी दोनों तरह की लड़ाई के लिए तैयार दिखाई दिए अनंत सिंह। बिहार की हाई प्रोफाइल आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अनंत सिंह का कहना है कि अगर उनकी झूठी शिकायत की वजह से मैं बेवजह जेल में रहा तो अब लिपि सिंह को जेल भेजा जाना चाहिए। आरोपों के सेंटर में AK-47। सुबह सुबह पटना की बेउर सेंट्रल जेल का गेट खुला और सलाखों से आजाद हो गए अनंत सिंह। पूर्व विधायक अनंत सिंह और छोटे सरकार के समर्थकों का हुजूम अहले सुबह से यहां पर मौजूद था। जेल से बाहर निकलने के बाद अनंत सिंह सबसे पहले पटना से सीधे बाढ़ और मोकामा होते हुए बड़हिया की तरफ रवाना हुए। 100 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे सफर के दौरान बाहुबली पूर्व विधायक के साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चल रहा था। अनंत सिंह ने बड़हिया के प्रसिद्ध महारानी स्थान मंदिर में पूजा की। यहां से मराची और मोकामा इलाके में होते हुए अनंत बाढ़ के अपने गांव लदमा पहुंचे और यहां मीडिया से खुलकर बात की। निशाने पर थी बाढ़ की एएसपी रही लिपि सिंह। लिपि सिंह ने ही 2019 में अनंत सिंह के लदमा के पुश्तैनी घर से AK-47 बरामद करने का दावा किया था। अब सबूत के अभाव में हाईकोर्ट से बरी होने के बाद अनंत सिंह पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे। हम तो बड़ी हो गए, लिपि सिंह दोषी हो गया, तब सीबीआई से जांच मांगेंगे। वे मतलब के रहे इतना दिन तो वही रहे। हमारा कीर्ति समय चल गया, हमारा आदमी बाहर में किसी को मन नहीं लगा। जब हम फंसाए हैं, हम निर्दोष साबित हुए तो वो दोषी हुआ, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। AK-47 वाले मामले में सिविल कोर्ट ने अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ अनंत पटना हाईकोर्ट गए जहाँ से बरी हो गए। अब सवाल है कि अगर AK-47 मामले में मुख्य आरोपी अनंत सिंह बरी हो चुके हैं तो फिर AK-47 आया कहां से था? अगर अनंत सिंह को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है तो मौके से बरामद AK-47 के यहां तक पहुंचने के पीछे का सच क्या था? क्या AK-47 रखकर वाकई अनंत सिंह को फंसाने की साजिश रची गई थी? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द सियासत की सुई घूम रही। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेताओं को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अनंत सिंह यहाँ से जो आर्म्स जो AK-47 बरामद हुआ था, आखिर किन लोगों ने उनके पास रखने का काम किया था? माननीय न्यायालय ने उन्हें बरी किया है, लेकिन जिस माहौल में वह घूम रहे हैं, लोग दहशत में हैं। कोर्ट के फैसलों पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। प्रश्न ठीक है कि AK-47 है तो किसका, ये पटना पुलिस के जांच के विषय है। पटना पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट में ही जमा कर करते हैं, क्या होता है। अनंत सिंह के घर से AK-47 बरामद होने का दावा करने वाली लिपि सिंह जेडीयू के नेता रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी हैं। बाद में आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए थे। AK-47 किसका है? पुलिस के अनुसंधान में तो पहले आया कि भाई अनंत सिंह के घर से आया, और अब किसका है इसकी जांच, कोई तो जिम्मेवार है। अगर अनंत सिंह बेकसूर हैं तो क्या जो एसपी थी लिपि सिंह थी शायद एसपी, और जो भी पदाधिकारी थे, अगर उन्होंने उनको फंसाया तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? लोकसभा चुनाव के दौरान पैरोल पर छूटे अनंत सिंह ने जनता से संपर्क के नाम पर जिस तरह जेडीयू के नेता और मुंगेर से उम्मीदवार ललन सिंह को जीत दिलाने के लिए जमीन आसमान एक किया, तभी से उनकी लाइन साफ है। वे पूरी तरह मोदी नीतीश के मुरीद हो चुके हैं। सूत्र बता रहे कि जल्द जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। अब अनंत सिंह के खिलाफ एक भी केस पेंडिंग नहीं है, ऐसे में बिहार के 2025 के लोकसभा चुनाव में वो मोकामा से मैदान में उतर सकते हैं जहां से 4 बार अनंत सिंह विधायक रह चुके हैं। क्या अगले साल चुनाव लड़ेंगे? वो चुनाव के जनता में घूमेंगे, जनता जैसा विचार करेगा उसका, कहे हम पचपन जो हो चुके हैं तो किसी को मौका देवे चाहेगा तो मौका हम देंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।